जन सरोकार से भरी खबरों के बुलेटिन को लेकर के मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। सिर्फ और सिर्फ बात बड़ी खबरों की तो झारखंड में दो बड़ी खबरें आई हैं। एक तो जो वादा किया था हेमंत सोरेन सरकार ने, वो वादा पुराने की दिशा में बढ़ते हुए हवाई जहाज से प्रवासी मजदूरों की लाने की कवायद तेज हो गई है, आज से इसका शुभारंभ होने जा रहा है और कोरोना के काल में एक नया इतिहास दर्ज करने जा रही है झारखंड की सरकार। पहली बार हवाई जहाज से केंद्र सरकार के सहयोग के माध्यम से वो प्रवासी मजदूरों के लाने जा रही है। उसके अलावा चाईबासा में PLFI नक्सली संगठन के साथ पुलिस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं, एक के घायल होने की सूचना है। तीनों के शव बरामद होने के बाद एक जो घायल नक्सली है उसे उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। SP इंद्रजीत मेहता पलामू के बाद चाईबासा में भी अपना असर छोड़े हुए हैं, जो नक्सलियों के कमर तोड़ने में लगातार अभियान चलाते रहते हैं। इन सबके बीच में बड़ी खबर के रूप में जो पलामू से निकली है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रो कुलपति प्रति कुलपति दोनों के दोनों बदल गए हैं, दोनों का तबादला कर दिया गया है। यहाँ राम लखन सिंह कुलपति के रूप में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की कमान संभालेंगे, वहीं देव नारायण यादव प्रति कुलपति का पदभार लेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह पहले ही उनका कुलपति का जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका था, लेकिन कोरोना काल के चलते उनका एक्सटेंशन किया गया था, बढ़ाया गया था। लेकिन सबके बीच अब जो खबरें आई हैं, अब हर तरह से एक्टिविटी अब दिखने लगी है, अब तबादले का दौर शुरू हुआ, वहीं कामकाज भी किया जाएंगे। अब देखना होगा कि रामलखन सिंह किस रूप में कुलपति का प्रभार संभालने के बाद नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को आगे लेकर जाते हैं। लेकिन सबके बीच में जो छोटी मोटी बड़ी आपराधिक घटनाएं हैं उन घटनाओं को अगर हम निगाह डालें, बड़ी खबर के रूप में आई है कि पलामू जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र स्थित बड़का गांव में अवैध बालू उठाव का कार्य चल रहा है। इस कार्य में जिस तरह से DMO और CO के छापेमारी के बाद बालू माफियाओं के ट्रैक्टर को पकड़ा गया और बालू माफियाओं ने छुड़ाया है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आई है। पुलिस ने उस वाहन को और वाहन के अलावा कई लोगों पर सात लोगों पर नामजद FIR दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है जिस तरह से बालू माफिया अपना सर उठा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन DMO यानी कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और CO यानी कि सदर अंचल अधिकारी पर जिस तरह से हमला करने की कोशिश की गई है, मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया है, ये बेहद ही चिंताजनक है। बालू माफियाओं के उठते हुए सर को कुचलने की भी जिला प्रशासन को दरकार है। लेकिन सबके बीच में जो अन्य खबरें हैं, छिनतई के मामले भी आए हैं। छिनतई के मामला जो घटना घटी है हमीदगंज में, उसके दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पलामू पुलिस ने इस पूरे कार्रवाई में सक्रियता दिखाते हुए SDPO संदीप गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। पलामू में पुलिस ने बदलाव करते हुए नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र का जिम्मा मोहम्मद कुदुस अंसारी को दिया है, वहीं अभिजीत गौतम को पीपरा थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा निरंजन कुमार को चैनपुर थाना का उप थाना प्रभारी बनाया गया है। तीनों बड़े थाना क्षेत्र हैं और तीनों कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इन सभी प्रभावित नक्सल क्षेत्रों को में सुधार के लिए उसके लिए लगातार जो तबादले की जो कार्रवाई होती है वो पलामू पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस कप्तान अजय लिंडा के नेतृत्व में तीनों थाना प्रभारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। लेकिन सबके बीच में हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अलारपुर गांव में भी एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सनसनी मची। लेकिन पलामू पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए शव को कब्जे में लेकर खोजबीन जारी कर दी है। अब उसके बाद अगर हम बात करें अपडेट की, तो कोरोना अपडेट में कहीं ना कहीं 458 मरीजों की संख्या जिस तरह से हुई है, 20 कल मरीज कोरोना के बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार के लिए चिंता की बात है। संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ निकल गई है कि लगातार पलामू परमंडल में हर एक एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से लातेहार में और गढ़वा में कोरोना की संख्या बढ़ी है, अभी पलामू में दो और नए मामले आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशासन को सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन आखिरकार हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे हमने मास्क लगाया है, अब कि हम कैमरे पर हैं, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य है। जिस तरह से सरकार और जिला प्रशासन की ओर से लगातार निर्देशित किया गया है, ये आपको समझना होगा कि मास्क कितना अनिवार्य है। उसके अलावा सबसे जो
एहतियातन बड़ा कदम है वो है सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का पालन करना, कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, चूंकि पता नहीं है कि आखिरकार उस संक्रमण का शिकार कौन है, चूंकि ऐसा कोई भी अब तक जो मरीज पाए जा रहे हैं अब उसमें ज़्यादातर दिखा जा रहे हैं उनमें सिम्टम नहीं यानी कि लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए पहचान पाना मुश्किल है। लेकिन सबके बीच में जिस तरह से लू के थपेड़े कहीं ना कहीं अब विकराल रूप अख्तियार कर रहे हैं वो चिंता की बात है पलामू समेत पूरे झारखंड के लिए। लेकिन पलामू जिला उपायुक्त डॉक्टर शांतनु अग्रहरि ने इसको लेकर के निर्देश जारी किए हैं, आप लू से बचने के हर एक उपाय करें, खाली पेट कतई न रखें, गर्म कपड़े यानी कि मोटे कपड़े पहने जिससे आप लू से बच सकते हैं, और कोशिश करें कि धूप में बेवजह कारण निकले, ऐसे भी घर से बेवजह निकलना मना ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दिखने में आ रही है कि जो सरकार के द्वारा शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक आवागमन परिवहन इन सब पर पाबंदियां हैं उन्हें पालन करता हुआ आम आदमी नजर नहीं आता है। आपको एहतियात बरतना होगा इसी अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है और इसे जीतना है तो लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े आपको एहतियात के तौर पे सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना है और हाथ को साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इन सबके बीच में आखिरकार इस गर्मी से निजात पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए सुन लीजिए सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी के माध्यम से, और हमें दीजिए इजाजत क्योंकि इसके बाद आप जरूर एहतियातन हर एक कदम उठाएंगे जिससे आप बच सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं गर्मी में आपको अपने बच्चों पर और घर में बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देना होगा। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। गर्मी अभी पलामू में खास करके जोरों से पड़ रही है, पलामू तो विख्यात है गर्मी के लिए, तो इसमें बहुत सावधानी देने की ज़रूरत है कुछ 2-4 दिनों के लिए स्पेशली, और जब जब भी गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहेगा उस समय सभी लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य पे। तो पहला चीज़ ये है कि अगर घर से बाहर निकले तो ऐसा कपड़ा पहने जो कि शरीर पे टाइट नहीं हो, लूज़ कपड़ा पहने, संभव हो तो कॉटन कपड़ा पहन करके निकलें, कम्फर्टेबल कपड़ा हो। जीन्स वगैरह बहुत कम्फर्टेबल नहीं है गर्मी के इस मौसम में, चूँकि उसमें क्या होता है कि बॉडी का जो हीट ये होता है ट्रैप रह जाता है, जल्दी से हीट निकल नहीं पाता है तो वो दिक्कत करती है। तो लूज़ कंफर्टेबल कपड़ा, कॉटन कपड़ा प्रेफरेबली पहन के निकले। दूसरा पॉइंट है कि अगर बाहर निकलना ज़रूरी ही हो तो ऐसे समय में निकलें जो जबकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है। बाहर का टेम्परेचर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सबसे अधिक रहता है, तो ऐसे समय में कोशिश करें 12 बजे से 3 बजे दिन में नहीं बाहर निकलें, और बहुत इमरजेंसी हो तब प्रिकॉशंस लेके निकलें, और निकलते समय 1-2 गिलास पानी, ठंडा पानी पी लें या सत्तू का शरबत पी लें, कुछ सलाद खा लें, आम का ये रहता है वो खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, खीरा कद्दू खा सकते हैं। पेट को कभी भी खाली नहीं रखिए बाहर निकलते समय, पेट हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, और ऐसे फल ज़्यादा खाएँ जो कि जिसमें कि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, खीरा ककड़ी तरबूजा ये सब खा करके निकलना चाहिए। बच्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों का आप ध्यान केयर कीजिए, क्योंकि बच्चे अगर गर्मी में रहेंगे तो वो आपको बहुत ठीक से बता नहीं पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चों को भी आप रखिए शेड में, रखिए धूप में मत रखिए, गर्मी में मत रखिए, और पंखा के नीचे रखिए, कूलर में रखिए। लेकिन बच्चों को इसलिए विशेष ध्यान देना है और बूढ़ों को भी, क्योंकि वो लोग आपको सब चीज़ सही सही बता नहीं सकते हैं, स्पेशल केयर बच्चों का अपेक्षित है, इसमें बूढ़ों का अपेक्षित है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बराबर अपने आप को शरीर को धोते रहें, नहाते रहें, दिन भर में 2 बार जरूर नहाएं जिससे कि आपके शरीर का तापमान बना हुआ रहे। ये बहुत कठिन समय होता है पलामू में गर्मी का समय, आप लोगों से आग्रह है कि इस समय आप लोग सावधानीपूर्वक रहिए।